Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hey guys, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, यानी आज हम लोग कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ब्रिलियंट मॉडल पेपर से लेके आए हैं। ऑलमोस्ट मैं पहले ही आपको बता दिया था कि ब्रिलियंट मॉडल पेपर का जो पैटर्न जो होता है तो बिहार बोर्ड के पैटर्न पर ही होता है। तो अगर इन मॉडल सेट के द्वारा आप अगर तैयारी करते हैं तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं। तो मैं अब तक यानी 243 तक यानी वीडियो क्वेश्चन यानी अपलोड कर चुका हूँ चैनल में। अगर आप नहीं देखें तो मेरे चैनल में विजिट कीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, उसको बारी से देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट मतलब मैं ब्रिलियंट का लेके आते रहता हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ बने हुए रहें। चलिए गाइस शुरू करता हूँ। यानी आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। ठीक है गाइज, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गाइज, हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? तो पहला ऑप्शन में यानी कृषि का मशीनीकरण, दूसरा में कीटनाशकों का प्रयोग, तीसरा में यानी क्या वाणिज्यिक वस्तुओं का अधिक उत्पादन, और चौथा में क्या है सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी। तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा 345 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ। ठीक है, तो सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, इसमें हरित क्रांति में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चले गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गाइस क्या कह रहा है, 346वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया? पहला ऑप्शन में पटना उच्च न्यायालय, दूसरा में मद्रास उच्च न्यायालय, तीसरा कोलकाता उच्च न्यायालय, चौथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, चले गए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 347 क्या कह रहा है कि राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? पहला ऑप्शन मैंने अक्टूबर 1984 में दिया हुआ है, दूसरा में मई 1991 में दिया हुआ है, तीसरा में जुलाई 1993 में दिया हुआ है, चौथा 1996 में दिया हुआ है। तो आपका जो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मई 1991 में इसका हत्या कर दिया गया था राजीव गांधी का। ठीक है, चलिए हम लोग आज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? पहला ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, दूसरा में 9 दिया हुआ है, तीसरा में 10 दिया हुआ है, चौथा में 11 दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले गए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन में दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, दूसरा में बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारों के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तीसरा में यानी साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें शार्क सम्मेलन में हुए। चौथा में यानी दक्षिण एशिया के राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्व भूमिका निभाई। ठीक है, तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूर्व की ओर देखा नीति किसने कहा? पूर्व की ओर देखा नीति किसने कहा? ठीक है, पहला ऑप्शन में दिया मैंने HD देवगौरा, और दूसरा में इंदिरा गांधी दिया हुआ, तीसरा में इंद्र कुमार गुजराल, चौथा में लालू प्रसाद यादव। तो 350 को आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले गए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरवाहा विद्यालय का आधारशिला किसने रखा? विद्यालय का आधारशिला किसने रखा? तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा इसका 351 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लालू प्रसाद यादव ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? क्यूबा मिसाइल के संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन में केनेडी, दूसरा में रूजवेल्ट, चौथा में ब्राहदेव और तीसरा में ब्राहदेव और चौथा में अस्फ्री। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी केनेडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले गए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई? दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई? तो पहला ऑप्शन में भारत दिया हुआ है, दूसरा में पाकिस्तान दिया हुआ है, तीसरा में बांग्लादेश और चौथा में नेपाल दिया हुआ है। तो आपका जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नेपाल ने उथल पुथल मचा दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गाइस क्या कह रहा है, 354वां क्वेश्चन में, निशस्त्रीकरण आयोग की रचना कब हुई?
निःशस्त्रीकरण आयोग की रचना कब हुई? पहला ऑप्शन में 1945 में दिया हुआ है, दूसरा में 1952 में, तीसरा 1960 और चौथा 1965 में। तो आपका जिसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी सी इसका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 355, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के गठबंधन का क्या नाम था? पहला ऑप्शन में यानी संप्रंग दिया हुआ है, दूसरा में राजक और तीसरा में राजद दिया हुआ है, चौथा में सभी। तो आपका इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी संप्रग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले गए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 356, बिहार की राजनीति में तीनों भाई नाम से विख्यात है। तो बिहार की जो राजनीति में तीनों भाई के नाम से जो विख्यात है, तो वो कौन है? तो 356 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी लालू, नीतीश और रामविलास। क्योंकि इससे क्यों क्वेश्चन दिया आपको, आप समझ आइए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में अक्सर दो या तीन क्वेश्चन करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, तो गाइज आप समझ गए होंगे बिहार के राजनीति में तीन भाई के नाम से किसे विख्यात है। तो ये जो है कौन कौन जाने जाते हैं, लालू और नीतीश और रामविलास जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 357वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में कौन जाति हाशिए पर है? बिहार में कौन जाति हाशिए पर है? हाशिए समझ रहे हैं यानी ग्रोथ कम कर रहा है, वो हाशिए पर यानी उसका खत्म होने वाला है। तो 357 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन में यानी पासवान दिया हुआ है, और दूसरा में यानी यादव दिया हुआ है, तीसरा में कुर्मी और चौथा में सामान्य है। तो 357 का जो यानी राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी पासवान। ठीक है, ये जाति जो है ये जो इस पर है, ये किस पर है, हाशिए पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है, 358वां क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो पहला ऑप्शन में 23 जनवरी 1897, दूसरा में क्या दिया हुआ है, 30 जनवरी 1897, और तीसरा में यानी क्या दिया, 26 जनवरी 1850, चौथा में दिया हुआ 15 अगस्त 1847। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी 23 जनवरी 1897 में। चले गए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 359 देखते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? यहाँ इसमें टिक मारा हुआ आप देख लिए होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भारत जो बने थे यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अध्यक्ष ये बना था, सदस्य बना था, तो 1945 में बना था, जब यूएनओ का यानी ये हुआ था स्थापना हुआ था। ठीक है, उसी समय यानी 1945 में भारत से राष्ट्र सदस्य संघ बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 360, शिमला समझौता पर भारत किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो आपको मालूम होगा कि शिमला समझौता जो हुआ था यानी कब हुआ था, आपको अगर इसका आंसर अगर मालूम है तो हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे कि शिमला समझौता जो हुआ था तो कब हुआ था। तो ये जो इसमें कौन थे उस समय यानी शिमला समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री, तो 360 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और वो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, इंदिरा गांधी। ठीक है, चले गए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इंदिरा गांधी मतलब जो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा, और यही नारा इसको यानी प्रधानमंत्री बना दिया था यानी। ठीक है, तो ये नारा उसका काफ़ी यानी प्रभाव पड़ा था जनता पर और वो उसको यानी जिता दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा यानी 361 का आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा यानी इंदिरा गांधी। ठीक है, चले गाइस हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी ये 362 का क्या कह रहा है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन था? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन था? पहला ऑप्शन में बहुगुणा, और दूसरा में क्या है सत्यपति, और तीसरा में जगजीवन राम, और तीसरा में रामविलास पासवान। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 362 का, तो ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी जगजीवन राम। ठीक है गाइस हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पहला ऑप्शन में यानी कर्पूरी ठाकुर दिया हुआ, दूसरा में चंद्रशेखर, तीसरा में जयप्रकाश नारायण, इनमें से चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व जो किया था, तो वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 364, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाया था? ये जो कौन सा पार्टी बनाया था, तो इसका 364 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जनता पार्टी की स्थापना किया गया था, ठीक है, इसी समय यानी वो विलय कर यानी जनता पार्टी की ये बनाया था, पार्टी बनाया था, ठीक है। तो जनता पार्टी 1980 में जो पूर्ण रूप से वो बन गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम लोग, 365वां क्वेश्चन, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्र दल है, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्र दल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलुगु दल ये जो राज्य यानी किस क्षेत्र से है, तो वो आंध्र प्रदेश से है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 365 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले गाइस यहीं तक वीडियो को मैं एंड करता हूँ, और इस प्रकार के यानी सभी सब्जेक्ट का मैं लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल के साथ बने हुए रहें। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस इतना मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, इसके लिए तो एक शेयर और एक लाइक जरूर बनता है, आप अगर लाइक नहीं कर पा रहे तो शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए मैं वीडियो को यहीं तक एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।